हेलो, तो आपका दोबारा से स्वागत है द मेघनाथ गेमिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम खेलने जा रहे हैं बिड वॉर्स। और भाई लोग, इसमें अलग ही तबाही मचा रखी है मैंने। मैं इतना अमीर हूँ इस गेम में, इतना अमीर हूँ, अगर मैं ये पैसा अपना रियल में होता तो वर्ल्ड के नंबर वन के भी नंबर वन पे होता मैं। छोड़ो अब इस बात को, अब हम अपने गेम में ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है इस बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम बिड लगाते हैं और उसको बेच के प्रॉफिट करते हैं। और उसमें से कुछ चीज़ें मैं अपने स्टोर में लेके आता हूँ और वहाँ जाके लोगों को चूना लगा के मस्त महंगे महंगे में बेच देता हूँ इन चीज़ों को। और चलो, अब यही चूना हम आगे और लोगों को लगाते रहेंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहें और आपका भी चूना लगा दूंगा मैं। मेरे को सब्सक्राइब कर देना बस, और लाइक कर देना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और प्रमोशन अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अपने आगे गेम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लेके आके सेल करते हैं जो कि मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पे कुछ रेंटल हाउसेस हैं, इसको भी मैं ख़रीद लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को रेंट पे रख के उनका जो रेंट मिलेगा हमको उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कहा ना मैंने चूना आते हैं हम इसमें, चूना चूने में थोड़ी भी कमी नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं अपने गेम में दोबारा से। और बाकी अभी रेंट के लिए तो घर बाद में खुलेंगे, अभी तो बहुत देर है। बाकी हमने यहाँ पे अपना ये चाकू लगा रखा है इसको रिसर्च के लिए। हम देखना चाह रहे हैं कितना पुराना है। और कैसीनो खोल लेते हैं हमारे 500 रुपये में। 500 रुपये क्या है ये 500 रुपये मेरे लिए? फेंको उसको, कैसीनो तो मस्त लग रहा है। चलो कैसीनो को अंदर घुस के देखते हैं कि है क्या इसके अंदर। अरे वाह, मज़ा आ गया। ये क्या है? ये तो स्पिन स्पिन रोल स्पिन स्पिन गेम है, जो भी गेम है इसको चलो स्पिन करो। अब देखते हैं हमारे पास कितना पैसा मिलता है इसमें। अब मैंने एक गोल्ड का ब्याज 4000 रुपये मिला, एक गोल्ड 4000 रुपये का बिका मेरा। 1,00,000 रुपये का गोल्ड मेरा 4000 में बिक रहा है। क्या मैं क्या बोलूँ मैं, गाइस मत लगाओ कैसीनो में पैसा, गंदी चीज़ होती है। बाकी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम बेट करते हैं। पहले यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लगा रखी हैं इसको चूना लगाने के लिए। लोगों को पहले ही बताया मैं, चूना तो भर भर के लगाते हैं। चलो गेम में बढ़ते हैं आगे। ये क्या आ गया सामने से, टूटा। चलो अब हम मियामी में जाते हैं थोड़ा सा, और मियामी में देखते हैं कि क्या होता है, कितना हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये खुल गया हमारा लॉकर, और इसके अंदर देखते हैं हमारे। अरे वाह, 14 रुपये ये भैया, और इसमें 203 रुपये। ओ भाई, 28 और 208 और 276, मज़ा ही आ गया भाई। ये लॉकर कम से कम 500 से 600 का तो बिकेगा ही बिकेगा। चलो यहाँ पे बिड लगाते हैं। और ये क्या है? अच्छा, इससे कंफ्यूज, भ्रम में डाल सकते हैं हम। ओके, भ्रम में डाल दो पहले ही। हाँ, पहली बोली मेरी है यहाँ पे 550। ये कौन है बदतमीज, 650 की बोली लगाएगा। मैं इसको फिर से बेहोश कर दो। ये दीदी कैसे हो गई इतनी होश में, इतनी जल्दी कैसे आ गई दीदी? कोई नहीं, होश में आए चाहे बेहोश हो जाए, जीतेगा तो अपनी। और यहाँ पे हम मिड लगाने में लगे हैं। ये लोग बहुत बच्चे हैं अभी, तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं है जितना पैसा मेरे पास है। मैंने बोला ना मैं वर्ल्ड का नंबर वन अमीर आदमी हूँ इस गेम में, असली में मत समझना। असली में तो कुछ छोड़ा, बस गेम में ध्यान दो। और ये जीत गया मैं। ये तो बहुत आसान लॉकर था मेरे लिए, कुछ भी नहीं। इससे बड़े बड़े लॉकर खरीद रखे मैंने। आए 175 रुपये, 63 रुपये, क्या है ये, क्या है, ख़त्म लॉकर हैं। इससे महंगे महंगे लॉकर खरीदता हूँ। ये 300 रुपये में बिकने वाले लॉकर क्या है मेरे लिए, मैं खरीदूंगा कम से कम 1000 रुपये का लॉकर। $1000 का, ये डॉलर्स में है गेम, सॉरी रुपये बोल रहा था मैं। क्या $300 मांग रहा है कि 325? कुछ नहीं, मैं 500 मारूंगा यहाँ पे बेट बढ़ाने की यहाँ से। अच्छा ये इतना ही बढ़ता है क्या, रैंडम नहीं लगा सकते क्या? चलो कोई नहीं, हम लगाते रहेंगे बेट, कोई नहीं, हमको कोई नहीं रोक सकता, बस बेट लगाता रहूंगा मैं। 475, ये दीदी पागल हो गई है, 475 में बिकेगा लॉकर। 1000 बोला मैंने, 600 तो कम से कम। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है दीदी के पास, मेरे से अमीर है क्या? कोई नहीं, हम बेट बढ़ा देंगे फिर भी, मेरे से अमीर कोई नहीं हो सकता गेम में तो बिल्कुल नहीं। ये फिर से बेट जीत गई हम। अब आगे वाले तीसरे लॉकर में चलते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। ये छतरी किसके अंदर, ये बारिश हो रही है क्या अंदर, छतरी खोल के रख रखी है। ये पेंगुइन कितने का है जरा पेंगुइन बताना। अरे
₹83 का पेंगुइन है। गिव मी मोर, गिव मी मोर। कोई नहीं, उससे भी बिट मारे अपन। चलो मारते रहो भाई बिट, पीछे नहीं छूटने चाहिए। 325 हाँ मार दो, कंफ्यूज कर दो इनको। 325 में मिल जाए लॉकर। ये भैया बहुत ज्यादा उस्ताद बन रहे हैं इनका, उस तरह से पूरा चपचाई काटूंगा, बाल तो कटे हुए इनके। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो, फिर से कंफ्यूज करो इनको और लगाते रहो बिट। सबसे हाईएस्ट बिट लगेगी इस लॉकर में मेरी, सबसे हाईएस्ट। कम से कम ₹1000 तो लगा ही दूंगा मैं, रुपए नहीं $1000 लगा दूंगा। 650 लगा दिए अभी तो। ये भैया ये क्या क्या रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो बस लगाए जा रहे हैं। ये देखो लॉकर को यहीं पर ही खत्म करते हैं, कोई भी नहीं जीत सकता मेरे से। तीनों लॉकर खरीद लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, ये प्रॉफिट तो ऐसे चुटकियों में होता है मेरे, प्रॉफिट तो हर लॉकर में प्रॉफिट होता है, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। देख रहा हूँ अभी 750 का 800 तो हो ही जाएगा, क्या हो गया है 90 का लॉस हो गया। कोई नहीं, अपन के पास इतना पैसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90 क्या ये 900 का नुकसान हो जाता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अब ये खरीदो खरीदो, सबको खरीद लिया मैंने, इसमें भी लॉस हो गया। चलो कोई नहीं, आगे वाले लॉकर में कम से कम 200 का प्रॉफिट तो होगा ही मेरे को। चलो खोलो सारा, ये क्या बकवास गेम है, मैं ऐसे हार तो सकता ही नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, फिर भी हम अगले वाला लो। ये 500 का लॉस हुए, क्या बात कर रहे हो, स्पिन करते हैं। चलो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गोल्ड लगा के स्पिन मारेगा, कम से कम ₹1,00,000 का है मेरा गोल्ड और प्रॉफिट माइनस में हुआ है, लॉस हो गया मेरे को। कोई नहीं, आगे वाले गेम में देखेंगे, आगे वाले लॉकर को देखेंगे हम, उसमें नहीं होगा लॉस। बाकी यहाँ पे से हम गैराज को कुछ नहीं ले जा रहे, सब बेच डालेंगे और ऐड देख के कोई नहीं पैसा गेन कर लेते हैं। कोई नहीं भाई, लोग ऐड देखना पड़ेगा, अब क्या करें, गरीब हो रहे हैं हम, दमक को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। चलो ऐड देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, मेरे को नहीं चाहिए ऐड वैड। कौन कह रहा है मैंने ऐड देख के पैसे ₹2x करा है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या करा भी है तो क्या कर लोगे तुम मेरा। चलो आगे बढ़ो, अब ये वाले गेम में जाते हैं। ये क्या है, ये मियाँ मियाँ मी, इस बारे में खेलते हैं। मेरे पास एनर्जी नहीं है, चलो एनर्जी खरीद लेते हैं पहले तो ऐड देख के। पूरे गेम में ऐड भर रहे हैं इस गेम में, क्या ही करें। अब बस अब आगे चलेंगे हम, आगे दोबारा से हम लॉकर्स खोलेंगे। अब मियामी में खेले नहीं खेले, मियामी में खेलेंगे। चलो कोई नहीं, लॉस हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट भी इसी में से कमाएंगे हम। ये क्या है, पुतला बड़ा सा है, किसने डेंगू है साला, मलेरिया मच्छर का किसने बना दिया पुतला, ये ग्लोब ग्लोब कहाँ रख रखा है। कोई नहीं, सब खरीद लेंगे सबसे। ये $850 की $900 की दीदी ने बोली लगा दी है, दीदी के पास पैसा कैसा है इसमें, दीदी ये सरकारी जॉब वाली है क्या, ये भैया है सरकारी जॉब वाले, शायद $1,100 लगा रहे हैं। पर कोई नहीं, सरकारी वरकारी सब कुछ सेट रखो, मैं प्राइवेट जॉब वाला हूँ, अंधा पैसा कमाता हूँ, टैक्स बढ़ता हूँ यहाँ पे। ये पूरा लॉकर मेरा है, अब आगे दूसरे वाले लॉकर में जाएंगे हम। वाला तो मैंने पूरा खरीद लिया, कितने में खरीदा पता नहीं, भूल गया मैं। चलो आगे देखते हैं, ये वाले लॉकर में भी सब पेटियाँ पेटियाँ पड़ी है, पूरा का पूरा मिस्टीरियस लॉकर है और इसको भी हम पूरा खरीद लेंगे और इसमें पक्का प्रॉफिट होगा हमको, गारंटी के साथ लिख के ले लो। ये $325 में खरीदे इस लॉकर को, मेरे से बच के ये लॉकर तुम्हारे हाथ नहीं जा सकता। खरीद लूंगा मैं इसको भी, सारा सारा लॉकर खरीद के अब मैं इसको बेचेगा और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। बाकी मेरे को इन डिब्बों के अंदर देखना है, डिब्बों के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें होती है जो कि सबसे ज्यादा पैसों में बिकती है, डॉलर्स में बिकती है। चलो दूसरा लॉकर भी हमारा हुआ, तीसरा लॉकर को देखते हैं, पत्थर किसने रख दिया अंदर, वाह क्या मूर्ति बना रखी है। कम से कम $1,000 की तो बिकनी ही चाहिए। और ये डिब्बे क्या है, लाल पीले हरे नीले, सब खरीद, सबको देखना है मेरे को इसके अंदर क्या है। ये सब के सब डिब्बों को मैं खरीदेगा, लॉकर को खरीदेगा। और ये पीछे टाइपराइटर कैसे रख रखा है, ये क्या क्या कौन सा कौन यूज कर रहा है टाइपराइटर पुराने जमाने का, क्या कंप्यूटर आ गया पता नहीं है क्या, 2022 है। चलो छोड़ो कोई नहीं, लॉकर खरीदने पर ध्यान दो। ये दीदी बहुत ज्यादा शानी बन रही है, क्या बोले अब इनको, कंफ्यूज कर दो इनको, बेहोश कर दो। लॉकर मेरा हो गया दोबारा, बेहोश करने का फायदा देख रहा हूँ।
अब यहाँ पे जाके ये तो बहुत ही सस्ता निकला है, क्या है पक्का लॉस होने वाला है मेरे को इसमें। अब ये पत्थर की वजह से देखने चलो इसमें कितना लॉस होता है। क्या क्या 128 रुपए का लॉस हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप। ये छोड़ो चलो दूसरे लॉकर में देखते हैं इसमें कितने का प्रॉफिट होगा। इसमें तो पक्का प्रॉफिट होगा मेरे को, 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या 60 रुपए? कोई नहीं है, मच्छर की वजह से हुआ है सबके साथ। मच्छर को सबसे पहले बेचो इसको, है मच्छर पनौती है मेरे लिए। बाकी है पहले लॉकर में कम से कम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए मेरे को। चलो देखते हैं कितने का प्रॉफिट होता है। कम से कम $1000 का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए मेरे को इसके अंदर। हाँ ये क्या है, 194 रुपये का प्रॉफिट है। कौन कह रहा है मेरे को बिट करनी नहीं आती है, कौन है बदतमीज। मैं सबसे बड़ा बिडर हूँ इसमें, मेरे से अच्छा बिडर कोई नहीं है इसमें। ये पहले स्पिन मारते हैं इसमें, देखते हैं कितने का होता है। मैं गोल्ड से मैंने स्पिन मारी इसमें, बहुत ज़्यादा अमीर हूँ अभी भी मैं, कोई नहीं कह सकता मेरे को। ये लेजेंडरी आइटम, इसको पहले हम अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं। ये रेयर, ये गोल्ड का सिक्का भी डाल लेते हैं डिग्गी में। और बाकी ये सामान गिरना नहीं चाहिए, ड्राइवर सुन ले तेरी सैलरी से कटेगा सारा पैसा अगर गिर गया तो। हाँ समझ लेना। ये और कौन कह रहा है मैंने 2x करके वीडियो में कर रखा है इसको। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है, कोई 2x नहीं करा है। और बाकी ये देख रहे हैं चूना लगा रखा मैंने, 129 का 199 में बेच दिया है, 124 का 346 में। बाकी मस्त चूना लगा रखा मैंने यहाँ लोगों को, तुम्हारा भी चूना इसी लगा दूंगा मैं। बाकी सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर तुम्हें चूना लगाना है तो। और बस ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए, और धमाकेदार वीडियो आने वाली है। कोई धमाकेदार नहीं, मतलब मज़ेदार आने वाली है। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाली वीडियो के लिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना। कौन कह रहा है सब्सक्राइब करा के वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाना और लाइक भी कराना और उससे भी शेयर करवाना। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और द मेघनाथ गेमिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। बाकी आपके दोस्तों का भी स्वागत रहेगा, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और उनका भी स्वागत होगा फिर, समझ रहे हो। और चूना नहीं लगेगा उन लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर है, बस उन्हीं के लिए, उनको चूना नहीं लगेगा बस उन्हीं को। बाकी बाय बाय, मिलते हैं आप अगली वीडियो में कल दोबारा।